अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों के सपनों में आते हैं भगवान श्री कृष्ण। मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गरियाओं में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश पर तंज करते हुए कहा कि उनके सपनों में अब भगवान कृष्ण आ रहे हैं। यह जनता की ताकत ही है कि जो एक बड़े वर्ग को अपमानित किया करते थे, आज उन्हीं बड़े वर्ग को लुभाने के लिए तरह तरह का पाखंड कर रहे हैं। मंदिर जाने लगे, भगवान के भक्त बन गए, राहुल गांधी जनेऊ पहनने लगे व गंगा स्नान कर रहे हैं। यह जनता सब कुछ जानती है। अखिलेश के राज में अराजकता गुंडागर्दी का बोलबाला था। प्रदेश में खाली पड़े प्लाट भूखंड पर गुंडे माफियाओं का कब्जा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गुंडा राज मिटा दिया। आज गुंडे पस्त हैं और गरीब मस्त हैं। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि हर गरीब को घर मिले, गरीब परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर उनका घर बनाया जाएगा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अजय शंकर दुबे को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए अपील किया। राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह पूर्वांचल की शेरनी हैं। उन्होंने जौनपुर से अपना पुराना नाता बताया कि 1992 में कार सेवा के लिए जाते समय वह जौनपुर में गिरफ्तार कर लिए गए थे और जौनपुर जेल में 8 दिन बिताए थे। भाजपा प्रत्याशी अजय शंकर दुबे ने चांदी का मुकुट पहनाकर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। भाजपा पदाधिकारी महेंद्र विजय शुक्ल, प्रकाश शुक्ल, ओम प्रकाश बिंद, राज पटेल, पुष्पा शुक्ला, प्रकाश शुक्ला आदि ने मुख्यमंत्री का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। खिलखिलाते थे, अब योगी के राज में जेलों में बिलबिलाते हैं, बिलबिलाते हैं। कई ने तो बाहर निकलने से ही इनकार कर दिया है। ये राज राज का अंतर है, सरकार सरकार का अंतर है। मेरे बहन और भाइयों, कोविड की महाबीमारी आई, महामारी आई, लोगों के प्राण संकट में थे। मोदी जी ने तुरंत वैज्ञानिक तैनात किए, वैक्सीन बनाई और वो वैक्सीन करोड़ों। देश प्रदेश एवं जौनपुर जनपद की खबरें प्रमुखता से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।